अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ मोहम्मद शहीद अहमद और आज के इस वीडियो में हम 9 फिजिक्स चैप्टर फोर्स एंड मैटर के न्यूमेरिकल्स को डिस्कस करने जा रहे हैं। न्यूमेरिकल रिलेटेड टू फोर्स, न्यूमेरिकल रिलेटेड टू पास्कल लॉ। तो हम इस वीडियो के अंदर हम इस चैप्टर नंबर 5 फोर्स एंड मैटर के तमाम तो न्यूमेरिकल को डिस्कस करेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। स्टार्ट करते हैं। हमारे पास एक न्यूमेरिकल लिखा हुआ है बुक से। न्यूमेरिकल क्या लिखते हैं? अ बॉय इज प्रेसिंग अ थम टैग। एक लड़का है जो एक थम टैग को प्रेस कर रहा है। थम टैग कह लें या थम फिन्स कह लें। अब वो क्या कर रहा है? उसे वो प्रेस कर रहा है। किसके ऊपर प्रेस कर रहा है? इन टू अ पीस ऑफ वुड, एक लकड़ी के टुकड़े पर वो थम टैग को क्या कर रहा है? प्रेस कर रहा है विथ अ फोर्स ऑफ 20 न्यूटन। और कितने फोर्स के साथ वो प्रेस कर रहा है? 20 न्यूटन के फोर्स के साथ प्रेस कर रहा है। द सरफेस एरिया ऑफ द हेड ऑफ द थम टैग, और थम टैग के हेड का जो एरिया है वो कितना है हमारे पास? 1 cm² एंड दिस क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ टिप ऑफ द थम टैग, और उस थम टैग के टिप का जो एरिया है वो कितना है? 0.01 cm². कैलकुलेट द प्रेशर एग्जर्टेड बाय द बॉयज थम ऑन द हेड ऑफ द थम टैग, द प्रेशर ऑफ द टिप ऑफ द थम टैग ऑन द वुड। अब सबसे पहले तो हमें समझना पड़ेगा कि प्रेशर होता क्या है। हमने अपनी पिछली वीडियो में डिस्कस किया था कि प्रेशर बेसिकली क्या है। प्रेशर हमारे पास फोर्स अपॉन एरिया है, ठीक है। जब हम किसी पर्टिकुलर एरिया पर फोर्स एग्जर्ट करते हैं तो उस पर्टिकुलर एरिया पर प्रेशर जनरेट करता है। अब अगर आप इसको कंक्लूड करें, अगर मैं फोर्स मान ले थोड़े वक्त के लिए कि मेरे पास फोर्स कांस्टेंट है, तो प्रेशर और एरिया का जो मुझे रिलेशन नज़र आएगा वो आपस में इनवर्स नज़र आएगा। मतलब अगर एरिया ज़्यादा है तो प्रेशर कम, और अगर एरिया कम है तो प्रेशर ज़्यादा होगा। अच्छा, ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है एक पीस ऑफ वुड है, और उस पीस ऑफ वुड में हम एक थम टैग मान लेते हैं, इट इज़ अवर थम टैग। हम उसे क्या कर रहे हैं? प्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं थ्रू द थम्स। हम यहाँ पे एक थम भी बना लेते हैं, कोशिश कर लेते हैं। तो ये हमारे पास थम टैग का थम आ गया। तो हमने क्या किया? इस थम, ये बॉयज थम है आसान लफ्जों में कह लें, ये उस लड़के के अंगूठे की बात। वो क्या कर रहा है? इस पर्टिकुलर थम टैग को, इसको, इस वाले जिससे को, इसको, दैट इज अ थम टैग, इसको मैंने कलर्ड कर, शेडेड कर दिया। ये क्या है हमारे पास? थम टैग है। उसे क्या कर रहा है? इस पीस ऑफ वुड में फोर्स लगाकर इंसर्ट कर रहा है, प्रेस कर रहा है, प्रेसिंग द थम टैग इनटू अ पीस ऑफ वुड, पीस ऑफ वुड में प्रेस, थम प्रेस कर रहा है विद अ फोर्स ऑफ 20 न्यूटन। यानी उस इस अपने अंगूठे से जो फोर्स लगा रहा है वो फोर्स कितना लगा रहा है? किसके ऊपर? हेड ऑफ द थम टैग। देखें अंगूठे का फोर्स कहाँ लग रहा है? हेड ऑफ द थम टैग। ये क्या है हमारा? हेड, इट इज हेड ऑफ द थम टैग। ये क्या है हमारा? दैट इज टिप ऑफ द थम टैग। तो जिस अंगूठे से जो हेड पर फोर्स लगा रहा है, थम टैग के हेड पर, वो फोर्स कितना बताया उन्होंने? 20 न्यूटन का फोर्स वो एग्जर्ट कर रहा है, ठीक है। विथ अ फोर्स ऑफ 20 न्यूटन ऑन द सरफेस ऑफ द हेड ऑफ थम टैग, थम टैग के हेड पर, जिसका एरिया कितना गिवन है? 1 cm², यानी थम टैग का हेड का जो हमारे पास एरिया है वो कितना है? 1 cm². अब क्या लिखा हुआ है? एंड द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द टिप ऑफ द थम टैग, ये टिप ऑफ द थम टैग का जो एरिया है वो 0.1 cm² है। अब हमें दो चीजें निकालनी हैं। कैलकुलेट द प्रेशर एग्जर्टेड बाय द बॉयज थम, ये जो अंगूठा प्रेशर लगा रहा है किसके ऊपर लगा रहा है? इस थम टैग के हेड पर, ऑन द हेड ऑफ द थम टैग। तो ये वाला जो प्रेशर है, ये वाला जो प्रेशर जिसको मैं P1 कह रहा हूं, ये कौन सा प्रेशर है? ये अंगूठा बॉयज थम, ठीक है, थम का प्रेशर है किसके ऊपर? हेड
ऑफ थंब टेक के ऊपर। और ये वाला प्रेशर, यहां पे लगने वाला प्रेशर मान लेते हैं पी टू है, प्रेशर ऑफ टिप ऑन ऑफ द थंब टेक। थंब टेक का टिप किसके ऊपर प्रेशर लगा रहा है? ऑन द वुड। यानी हमें पी टू और पी वन क्या करना है? कैलकुलेट करना है। तो हम क्या करते हैं, दिए हुए सवाल का डेटा बना लेते हैं। तो सबसे पहले चीज जो हमें फोर्स मालूम है, कौन सा फोर्स? फोर्स एग्जर्टेड बाय बॉयज थंब। कितना फोर्स एग्जर्ट कर रहा है? दैट इज एट 20 न्यूटन। ठीक है, और फिर हमें क्या बात दिया गया है? एरिया ऑफ हेड ऑफ द थंब टेक। तो थंब टेक के हेड का जो एरिया हमें दिया गया वो कितना है? 1 cm². और फिर हमें क्या दिया गया? एरिया ऑफ टिप ऑफ द थंब टेक, दैट इज 0.01 cm². और हमें क्या कहा गया? प्रेशर निकालें एग्जर्टेड बाय बॉयज थंब ऑन हेड ऑफ थंब टेक, दैट इज पी वन। ठीक है, और हमें क्या निकालना है? प्रेशर, वो प्रेशर एग्जर्टेड बाय टिप ऑफ थंब ऑन वुड, दैट इज प्रेशर नंबर टू। ये दो प्रेशर हमें निकालना है। अब इस वीडियो की स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया कि प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। बट उससे पहले हमें एक बात समझने की ज़रूरत है, प्रेशर की जो ऐसा यूनिट होती है वो होती है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इसका मतलब जब भी हम एरिया लिखेंगे तो वो किस में होना चाहिए? मीटर स्क्वायर में होना चाहिए। अभी जो हमारे पास हेड और टिप का एरिया दिया गया है वो सेंटीमीटर स्क्वायर में दिया गया है। अच्छा, इसको हम डिस्टिंग्विश कैसे कर लेते हैं? इसे एरिया वन मान लेते हैं और इसे एरिया टू मान लेते हैं। तो फॉर्मूले में पुट करने से पहले हमें ये बात लाजिम है कि हम सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में क्या कर दें? तब्दील कर दें। अब कैसे करेंगे जरा देखते हैं। 1 cm² इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ 1 cm और उसके ऊपर स्क्वायर। और अगर हम इसको देखें तो क्या बनेगा? 1 cm² meter square। तो अगर मैं यहां से सेंटी हटा दूं या सेंटी की जगह उसकी वैल्यू पुट कर दूं तो क्या बच जाएगा? मीटर स्क्वायर रह जाएगा, हम अपने डिजायर्ड यूनिट पे कन्वर्ट हो जाएंगे। सेंटी एक प्रीफिक्स है जिस प्रीफिक्स की वैल्यू होती है 10^-2। तो अगर मैं सेंटी की जगह 10^-2 लिख दूं, उसके ऊपर क्या लगा हुआ है? स्क्वायर। क्या बन गया? मीटर स्क्वायर। और हमारे पास एरिया क्या हो गया? 2^4 10^-4 मीटर स्क्वायर। ये हमने A1 का एरिया तब्दील कर दिया। इसी तरह आप A2 का एरिया भी तब्दील कर सकते हैं। कैसे? इसी तरह से क्या लिखा हुआ है हमारे पास? A2 का एरिया 0.01 cm², सेम 0.01। देखें 1 था ना सेंटीमीटर स्क्वायर में, मीटर स्क्वायर में गए तो क्या लगाना पड़ा? एक्सपोनेंशियल माइनस 4। तो अगर इसके आगे भी मैं एक्सपोनेंशियल माइनस 4 लगा दूँ तो किस में आ जाएंगे? मीटर स्क्वायर में आ जाएंगे। बस इतना सा करना। अब पहला प्रेशर निकालते हैं P1। P1 का प्रेशर क्या है? दैट इज द एग्जर्टेड बाय बॉयज थंब ऑन द हेड ऑफ द थंब टेक। तो हमने कहा फोर्स अपॉन एरिया। अब एरिया कौन सा लेंगे? A1। ठीक है, कौन सा एरिया? एरिया ऑफ द हेड ऑफ द थंब टेक। फोर्स कितना लगा रहा था बॉयज थंब? दैट इज 20 न्यूटन। और एरिया कितना है? दैट इज 1 exponential - 4। तो प्रेशर कितना हो गया? इस माइनस 4 को ऊपर डिवाइड से डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर में भेजेंगे, पावर का साइन प्लस हो जाएगा, तो 20 multiply by 10^4
न्यूटन। ये वो प्रेशर है जो उस लड़के का अंगूठा लगा रहा है किसके ऊपर, टिप ऑफ द सॉरी हेड ऑफ द थंबटैक के ऊपर। अब ये वाला मिसाल के तौर पर ये वाला हमारे पास एक थंबटैक हम रिज्यूम कर लेते हैं। अब अगर यहाँ पर प्रेशर लग रहा है 20 न्यूटन का, तो ये प्रेशर ट्रांसमिट होकर कहाँ जा रहा है, दैट इज टिप पर। तो टिप पर भी लगने वाला प्रेशर कितना हो गया, सॉरी फोर्स कितना हो गया, 20 न्यूटन, जो किसके ऊपर लग रहा है, वुड के ऊपर। तो अगर मैं P2 प्रेशर निकालूं, P2 प्रेशर क्या है, प्रेशर एग्जर्टेड बाय टिप किसके ऊपर, वुड के ऊपर, तो उसके लिए भी फोर्स की वैल्यू क्या रहेगी, 20 रहेगी। तो हमने कहा F सिर्फ एरिया क्या हो जाएगा, A2 हो जाएगा। तो हमने कहा फोर्स कितना है 20, एरिया कितना है A2 का हमारे पास, दैट इज 0.01 एक्सपोनेंशियल, या आप इसको ऐसे कर ले देंगे, जीरो यहाँ है ना, एक और दो, दो मतलब पॉइंट को कहाँ शिफ्ट किया हमने, राइट साइड पर, तो दो क्या हो जाएगा -6, दो का इजाफा, इस तरह से आप कर लें। तो एरिया क्या बन गया, 1 एक्सपोनेंशियल -6, -6 को ऊपर भेज देंगे क्या हो जाएगा +6, तो 20 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 6 यू। ये वो प्रेशर है जो टिप लगा रहा है किसके ऊपर, वुड के ऊपर, और ये वो प्रेशर है जो थंब लगा रहा है किसके ऊपर, टिप के हेड के ऊपर, सॉरी थंब टैग के हेड के ऊपर। अब देखें, मैंने आपको इस वीडियो की स्टार्टिंग में बताया कि प्रेशर का फॉर्मूला होता है फोर्स अपॉन एरिया। अगर फोर्स दोनों के लिए सेम है तो प्रेशर डिपेंड किसके ऊपर कर रहा है, एरिया के ऊपर। और हमें ये नजर आ रहा है कि जो टिप का एरिया है वो बहुत कम है, तो टिप जो प्रेशर लगाएगा वो ज्यादा होना चाहिए। देखें टिप का प्रेशर बहुत ज्यादा है, 10 की पावर +6, और उसके मुकाबले में जो हेड है उसका एरिया ज्यादा है, तो उस पर लगने वाला प्रेशर क्या होगा, कम होगा। देखें उस पर लगने वाला प्रेशर कम है, 10 की पावर -4, 100 times कम है। तो प्रेशर और एरिया का जो रिलेशन है वो इनवर्स रिलेशन है। तो उम्मीद है न्यूमेरिकल आपको समझ आया होगा। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। शुक्रिया।